तो स्मृति ईरानी बताती हुई किस तरह से यह घटनाक्रम था, क्या क्या आज कोर्ट में पेश किया गया, और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है, जिसका विरोध किया था अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद रिमांड पर भेजे जाने के बाद अधिकारी केजरीवाल को अपने साथ ईडी ऑफिस लेकर चले गए, और उससे उसके बाद अब यह फैसला आया है कि 6 दिन की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को ले जाया गया है। इससे पहले राज रेवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया। ईडी ने कोर्ट के सामने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर कोर्ट में जोरदार बहस हुई। बहस में क्या क्या हुआ, क्या क्या पेश किया गया, स्मृति ईरानी ने बताया। करीब 3 घंटे की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में जबरदस्त घमासान हुआ। ईडी के वकीलों ने केजरीवाल को पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड, किंग पिन बताया, जबकि केजरीवाल के वकीलों ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को ही गैर कानूनी बताया था। विपक्ष ने भी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताया था। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, यानी 28 मार्च तक अब ईडी की रिमांड पर है, 10 दिन की मांगी थी लेकिन फिर भी 28 मार्च तक तो मिली ईडी को रिमांड। बिल्कुल किशोर, हम लोग उसी ईडी मुख्यालय में हैं और यहीं सामने अभी थोड़ी देर पहले ही अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस और ईडी यहां लेके गई है, और यहां अब जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। अब यहां पे उनका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद यहां से उनको कल जो है फ्रेश तरीके से पूछताछ होगी। खास बात यह है कि 10 दिन की रिमांड मांगी थी, 6 दिन की मिली है, और कोशिश यही रहेगी कि ये जो 6 दिन मिले हैं, इस 6 दिन में जो भी तथ्य उनके पास है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन उनके पास है, उसके बारे में पूछताछ की जा सके। 9 समन दिए थे, 9 समन में ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल आए और आके इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें, लेकिन हर बार वो नहीं पहुंचे, और अब जिस तरीके के हालात बने हैं कि वो अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। जी हाँ, तो जिस तरह से और कोर्ट में क्या क्या हुआ स्मृति ईरानी ने बताया। रिमांड पर भेजे जाने के बाद अधिकारी अरविंद केजरीवाल को के साथ ईडी ऑफिस चले गए हैं। राव जमनी कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट के सामने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड रखी थी, जैसा बता रहे हैं, मांग रखी थी संदीप बोल ने, जैसा बताया, लेकिन 6 दिन की 28 मार्च तक की रिमांड पर कोर्ट ने उनको भेज दिया है। कोर्ट में जोरदार इस पर बहस हुई। 3 घंटे की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने जबरदस्त घमासान हुआ। वकीलों ने, ईडी के वकीलों ने केजरीवाल को पूरे घोटाले का किंग पिन बताया। केजरीवाल के वकीलों ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया। विपक्ष ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताया। ये सब हुआ, कोर्ट के अंदर भी हुआ, बाहर भी हुआ, और उसके बाद अब 28 मार्च तक उनको ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है। एक रोज पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और पंजाब समेत कई जगहों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बवाल शुरू कर दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब के मोहाली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन की मदद से पानी की बौछार कर दी। पानी की तेज बौछार होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारी थोड़ी देर के लिए सड़क पर पीछे की तरफ भागे, लेकिन वाटर कैनन बंद होते ही वो फिर से पुलिस की बैरिकेडिंग के पास जमा होकर हंगामा और नारेबाजी करते दिखाई दिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने मोहाली से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग लगा रखी थी, क्योंकि प्रदर्शनकारी मोहाली से चंडीगढ़ जाकर गवर्नर हाउस का घेराव करना चाहते थे। मोहाली से चंडीगढ़ में मौजूद गवर्नर हाउस की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए मोहाली चंडीगढ़ हाईवे को बंद कर दिया और वहां लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए। हाथों में पार्टी का झंडा लेकर वहां पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। हालांकि मोहाली चंडीगढ़ हाईवे पर तैनात पुलिस वाले बैरिकेडिंग के पीछे चट्टान की तरह खड़े नजर आए। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता वहां तैनात पुलिस वालों से भी भिड़ गए और लोहे की बैरिकेडिंग को पार करके दूसरी तरफ कूद गए। बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ मौजूद दूसरे प्रदर्शनकारी भी वहां से कूद कर पुलिस वालों की तरफ आने की कोशिश करते दिखाई दिए। हंगामा और नारेबाजी कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार वहां लगे बैरिकेड को गिराने की कोशिश करते दिखाई दिए। काले रंग की टी शर्ट पहना हुआ एक कार्यकर्ता तो बैरिकेड के ऊपर चढ़ गया और नारे लगाने शुरू कर दिए। उसके साथ कुछ महिला कार्यकर्ता भी बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश करती दिखाई दी। पीले रंग की पगड़ी पहना हुआ आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता वहां खड़े पुलिस वालों को हटाते हुए बैरिकेड पार करता दिखाई दिया।
मोहाली से चंडीगढ़ में गवर्नर हाउस का घेराव करने निकले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों में केजरीवाल के समर्थन वाले पोस्टर दिखाई दिए। पोस्टरों पर मैं भी केजरीवाल लिखा नजर आया। हालांकि पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हाईवे पर ही रोक दिया, लेकिन चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के घेराव के लिए कूच कर दिया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क पर लगाई गई बैरिकेडिंग के पास हंगामा शुरू कर दिया। चंडीगढ़ में बीजेपी के दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात दिखाई दिए। सड़क को बंद करने के लिए पुलिस ने वहां बड़े बड़े ट्रक खड़े कर दिए थे। सड़क पर लगी लोहे की बैरिकेडिंग के एक तरफ भारी संख्या में पुलिस वाले मोर्चा संभाले दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी देर तक बैरिकेडिंग तोड़कर बीजेपी दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश करते दिखे। हालांकि पुलिस ने हंगामा करने वाले कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें बसों में बैठाकर प्रदर्शन वाली जगह से दूर भेज दिया, लेकिन गिरफ्तारी और कोर्ट से रिमांड पर भेजे जाने के बाद आम आदमी पार्टी का गुस्सा फूट पड़ा। सूत्रों के मुताबिक रिमांड के मुद्दे पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई। ईडी के वकील ने केजरीवाल को घोटाले का किंग पिन बताया, जबकि अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने एक राज्य के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की मिसाल करार दिया। कोर्ट में हुई इस बहस से पहले दोपहर करीब 12:30 बजे ईडी अफसरों का काफिला अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी दफ्तर से राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए निकला। ईडी की गाड़ियां दंदनाते हुए अदालत की तरफ दौड़ती दिखाई दी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए ईडी दफ्तर और कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात कर दिए गए। कोर्ट पहुंचने के बाद ईडी के अफसर अरविंद केजरीवाल को लेकर सीधे जज के सामने पहुंच गए। इस दौरान कोर्ट के गलियारे से गुजरते हुए केजरीवाल का एक वीडियो सामने आया, जिसमें 10 से 12 ईडी अधिकारी उन्हें कोर्ट रूम की तरफ ले जाते नजर आए। आम आदमी पार्टी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें कोर्ट में दाखिल होते हुए अरविंद केजरीवाल ये कहते सुनाई दिए कि वो चाहे जेल में रहें या बाहर, देश के लिए काम करते रहें। मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर, देश के लिए। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और ईडी के वकीलों के बीच जबरदस्त बहस शुरू हुई और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। कोर्ट में केजरीवाल के वकीलों ने ईडी की रिमांड की मांग को खारिज करने की अपील की, जबकि ईडी के वकीलों ने शराब घोटाले की जांच के लिए अरविंद केजरीवाल की रिमांड को बेहद जरूरी बताया। मतलब ये कि ईडी के वकीलों ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड के लिए पूरी ताकत लगा दी। ईडी ने दिल्ली के शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया। ईडी के वकील ने इसके लिए अंग्रेजी के किंग पिन शब्द का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही ईडी ने दावा किया कि इस केस से जुड़े कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत पहले ही मिटा दिए गए थे। घोटाले से जुड़े तथ्य छिपाने के लिए कई सारे मोबाइल फोन तोड़े गए थे। हालांकि इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ये दलील दी कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद कोर्ट में ईडी ने दलील रखी कि रिश्वत के बदले दिल्ली में आबकारी नीति में मनमाने बदलाव किए गए थे। ईडी ने कोर्ट को बताया कि 2 बार कैश ट्रांसफर भी किया गया, जबकि कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले से अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना ही नहीं है। ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से की गई, क्योंकि आरोप है कि शराब घोटाले की आड़ में करीब 600 करोड़ की हेराफेरी हुई और ईडी के हवाले से यह दावा किया गया कि यह पूरी साजिश किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ही रची। और ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने ही दिल्ली की शराब नीति में बदलाव करके करोड़ों के घोटाले की नींव रखी। इसी वजह से ईडी ने केजरीवाल को इस शराब घोटाले का किंग पिन माना। किंग पिन यानी सबसे अहम आदमी। मतलब ईडी ने ये दावा किया कि ये पूरी साजिश अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही रची गई और इसके जरिए करोड़ों की रकम का गबन हुआ। ईडी ने दावा किया कि इस पूरे खेल में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी बराबरी के हिस्सेदार थे। हालांकि ईडी के मुताबिक इस घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे हिस्सा नहीं लिया, बल्कि इसके लिए उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजय नायर को काम पर लगाया गया था। ईडी के मुताबिक विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल के कहने पर न सिर्फ नीतियों में तोड़ मरोड़ का खाका तैयार किया, बल्कि लोगों को डरा धमका कर उनसे उगाही का सारा काम भी वही देखता था। और ईडी के मुताबिक इसी विजय नायर के जरिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों तक 330 करोड़ से ज्यादा की रकम पहुंची। दावे के मुताबिक इसके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई थी। और ईडी की जांच में ये आरोप लगाया गया कि दिल्ली की नई शराब नीति के जरिए करोड़ों के घोटाले की पटकथा अरविंद केजरीवाल के घर पर ही लिखी गई थी। ईडी के मुताबिक दिल्ली के सीएम हाउस में हुई उस बैठक में अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे और इसी बैठक में ये तय हुआ था कि शराब नीति में प्रॉफिट का जो मार्जिन 6% है उसे बढ़ाकर 12% मतलब दुगना कर दिया जाए। और ईडी के मुताबिक खुद ये बात मनीष सिसोदिया के सचिव सी अरविंद ने पूछताछ के दौरान बताई थी और ये दावा किया गया था कि ये काला खेल अरविंद केजरीवाल की आंखों के सामने ही रचा गया
और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि इस नई शराब नीति के जरिए उन्हें करोड़ों का फायदा हो सकता है। और ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल अपने प्लान में कामयाब भी हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक जांच में ये बात सामने आई कि अरविंद केजरीवाल ने इस शराब नीति की आड़ में शराब माफिया से करीब 100 करोड़ की रिश्वत ली थी और बदले में नई शराब नीति के जरिए उन्हें फायदा पहुंचाने का वादा किया था। मतलब केजरीवाल और शराब माफिया ने एक हाथ दे दूसरे हाथ ले का फॉर्मूला अपनाया ताकि दोनों ही पक्षों को फायदा हो सके। और इसमें एक अहम किरदार निभाया शराब कंपनी इंडो स्पिरिट के डायरेक्टर समीर महिंद्रू ने। सूत्रों के मुताबिक समीर महिंद्रू ने पूछताछ में बताया कि अरविंद केजरीवाल से उन्हें उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजय नायर ने आईफोन के ऐप फेस टाइम के जरिए मिलवाया था। उनके मुताबिक इस बातचीत के दौरान केजरीवाल ने यह भी कहा था कि विजय नायर उनका भरोसेमंद है और वही उनसे आगे की डील करेगा। मतलब अरविंद केजरीवाल ने खुद ही विजय नायर को शराब घोटाले से जुड़ी डील करने की आजादी दी थी और ईडी के मुताबिक उसी के जरिए 100 करोड़ की रिश्वत के रास्ते खुले। ईडी के सूत्रों का दावा है कि केजरीवाल ने नई शराब नीति में बदलाव करने के बदले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। और जांच में ये बात सामने आएगी इस रकम का इस्तेमाल 2022 में गोवा में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किया था। ईडी ने कुछ दस्तावेजों के जरिए ये आरोप भी लगाया कि इस रकम के बड़े हिस्से की हेराफेरी कैश में की गई ताकि किसी को आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल पर शक न हो। ईडी ने यह दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत के तौर पर मिली रकम से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया। इसके लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के अकाउंटेंट बुच्ची बाबू ने 2 बार पैसे ट्रांसफर किए। सूत्रों के मुताबिक बुच्ची बाबू के अकाउंट से ही आम आदमी पार्टी के पास पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। और दावा है कि गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव में काम करने वाले लोगों को इसी रकम से भुगतान किया गया। और दावा है कि गोवा चुनाव में करीब 70 लाख रुपए नकद में दिए गए। ये पैसे जिन्हें दिए गए उनमें आम आदमी पार्टी के कुछ उम्मीदवार भी शामिल थे। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने गोवा चुनाव में रिसर्चर के तौर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए काम किया था।